आदिवासी हेयर ऑयल, आप देख सकते हैं सीसी कितनी लंबी है, तो इसे मुझे सर पे नहीं लगाना एक्चुअली, यह दूसरा आदिवासी हेयर ऑयल है, इसे मुझे पीना है ठीक है। जब मैं पीऊंगा तो ये मेरे बॉडी में जाएगा और जितने सारे बाल है ठीक है, बॉडी के जितने सारे बाल है सारे के सारे बाल का ग्रोथ यह तेजी के साथ करेगा। चलो पीते हैं, मजाक कर रहा हूं, यह एक खांसी की दवा है। आज के इस वीडियो में हम आपको आदिवासी हेयर ऑयल का पूरा सच्चाई बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आप आदिवासी हेयर ऑयल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। एक्चुअली हमारे जैसे नहीं, हम तो छोटे हैं यार, हमसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वह किस तरह से बहुत बड़ा लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे क्या है, कैसे है। दादी दासी, सॉरी यार, हर्ष भाई की वीडियो पे चला जाता हूँ। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे हिक्की पिक्की जनजाति के लोग किस तरह से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं कंप्लीट बताएंगे, लास्ट तक देखना। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर देना और वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आपने अभी तक आदिवासी हेयर ऑयल ट्राई किया या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कई सारी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें लोगों के बाल झड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद में। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, गूगल पे एक बार सर्च करिए आदिवासी हेयर ऑयल, आपको इतने सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। अब वही लोग बोलते हैं ठीक है, हिक्की पिक्की जनजाति के लोग बोलते हैं जिनके पास बड़े बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वही लोग बोलते हैं कि वह सारे के सारे तेल नकली हैं। लेकिन नकली नहीं है, बल्कि वही लोग बेचते हैं, यह मेरा मानना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप एक खांसी का बॉटल बाई करते हैं ठीक है, 20 रुपए का, 30 रुपए का, या आप एक मेडिसिन खरीदते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, बनाने का प्रोसेस क्या, वह सारी चीजें लिखी रहती हैं। अगर मैं आपको इस बॉटल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर सारा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। एक खांसी की दवा है ठीक है, एक खांसी की दवा है, यहां पर सारा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, कितना एमएल है, और यहां पर नंबर भी है ठीक है, क्या क्या चीजें मिली हुई है, आपको नुकसान करेगा, फायदा करेगा, कितना पीना है। और मैं थोड़ा सा इसे बंद कर देता हूँ, नहीं तो गिर जाएगा। और अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहां पर जो इसकी एक्सपायरी डेट है वह भी है ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करेंगे, आदिवासी ऑयल ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस एक स्टिकर मिलेगा जहां पर लंबे काले घने बाल होंगे जो नीचे तक ठीक है पैरों तक दिखाई देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहला स्कैम सीधा सीधा यहां पर है, कम से कम आप नंबर डाल दो, क्या क्या चीजें मिलाए हुए हो वह बता दो। वह लोग बोलते हैं कि लास्ट में एक सीक्रेट, मतलब कुछ तो सीक्रेट है वह डालते हैं जिसके बाद में जो उनका ऑयल है तैयार होता है। कोई बोलता है 108 जड़ी बूटी, कोई बोलता है 250 जड़ी बूटी, कोई बोलता है 221, यार मतलब कुछ भी नंबर लोग बता रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूट्यूबर की, जो लोग आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा ठगेश, इल्विस, मनोज जे, भाई इतने, यहां तक कि बॉलीवुड वाले भी जा रहे हैं ठीक है, इतने लोग जाके आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कि मैं आपको क्या ही बोलूं। अब आप एक चीज ये बताओ, मैं इल्विस का फैन हूं ठीक है, इल्विस का फैन हूं, और इल्विस भाई ने बता दिया कि आदिवासी हेयर ऑयल है और आपके बाल यहां तक के गायब हैं ठीक है, यहां तक के गायब है, बीच के गायब है, अगर आप इस ऑयल को लगाते हो तो एक हफ्ते में रिजल्ट आपको मिलेगा, जो सारे बाल है वापिस आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, ठगेश का, इल्विस का, मनोज जे का, मिस्टर इंडियन हैकर का, किसी का फैन रहूंगा तो मैं विश्वास कर लूंगा, क्योंकि 500 1000 रुपए की बात है ठीक है, तो मैं मंगाऊंगा, लगा लूंगा। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग जाते हैं ऐड करने यानी प्रचार करने, इल्विस, ठगेश, मिस्टर इंडियन हैकर और अपने मनोज दे भाई, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ तक कि सिंटू जो आर्ट बनाते भाई वो गए थे, मैं उनका एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ, पहले आप वीडियो देखो। ये क्या लगा कर रखा, हटाओ तेल की वजह से मेरे बाल पूरे झड़ गए हैं। भैया रुकिए रुकिए, आपको गलत फैमिली हो रही है, आप कैसे तेल लिए हैं बताइए हमको। 500 रुपए में 2 बॉटल यहाँ से लिए, 500 में 2 बॉटल लेगा तो ऑनलाइन झड़ेगा ही ना, बाल तो झड़ेगा ही, आदिवासी का तेल ही नहीं है वो, बाई वन गेट वन 499 रुपए का लिया था, वो पूरा फ्रॉड फर्जी है। इससे फायदा होगा सर? इससे फायदा क्यों नहीं होगा, ये बोले से आधा लीटर रहता है आदिवासी का तेल रहता है, आधा से 1 लीटर, ये लगाने से अच्छे तरीके से बाल बढ़ाता है, झड़ना टूटना रुबाट करता है, नया बाल उगाता है, पतला बालों को झाड़ा करके इस प्रकार का बाल बढ़ाते हैं, देखो एक बार। तो गाइस आप भी मेरी तरह धोखे में मत फंसिए, अगर ओरिजिनल तेल चाहिए है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और वेबसाइट का लिंक
कमेंट में भी मिल जाएगा और मेरे बायो में भी मिल जाएगा। और इसकी फुल वीडियो अगर आपको देखना है तो जाके यूट्यूब पे देखिए कितने प्रकार की जड़ी बूटी है, वो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान देंगे जो भी वीडियो मैं पॉपअप कर रहा हूँ इस साइड उस साइड आप ध्यान देंगे तो कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, यह बता रहा है वह बंदा नकली, वह बता रहा है वह बंदा नकली है, विश्वास किस पे किया जाए। पहली बात, जो सारे इन्फ्लुएंसर है जो भी जाके वहां पर ऐड कर रहे, वीडियो बना रहे, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो बना रहे, वह लोग कभी भी तेल रखते हुए नहीं दिखा रहे कि हाँ लो भाई मैंने भी तेल डाल लिया, ठीक है सर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ रख के सर पे, या फिर मैंने एक हफ्ते यूज किया, आप देख सकते हैं एक हफ्ते का प्रॉपर वीडियो बनाया, डे वन डे टू डे थ्री, इस तरीके से कोई नहीं बता रहा है, ओनली बस ऐड कर रहे। और क्या आपने कभी ऐसे बंदे को देखा है जिसका आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से फायदा हुआ हो, वह वीडियो बनाया हो? आपने नहीं देखा होगा, शायद 1-2% होंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वह भी प्रॉपर आपको नहीं बताएंगे कि 100% रिजल्ट मिला है, 100% नहीं बताएंगे, बोलेंगे 30-40% मिला है, हमारे जो बाल है वह आ रहे हैं, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि नेचुरल चीजों से अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो फायदा होने वाला है। दोस्तों मैं मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो देखा और लोगों का वीडियो देखा जहां पर वह लोग बताते हैं आप 30 दिन तक यूज कीजिए हमारा हेयर ऑयल, अगर 30 दिन के अंदर फायदा नहीं होता है तो हमारा जो हेयर ऑयल है हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम रिप्लेसमेंट करवा देंगे, ठीक है, यानी जो आपके पैसे है आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने ऑर्डर कर लिया ना तो फिर आप भूल जाओ, उस नंबर पे कॉल करेंगे जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, इस दुनिया में है ही नहीं, उस नंबर पे कॉल ही नहीं लगेगा, अगर बाय द वे लग गया ना तो कोई और उठाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नंबरों पे कॉल लगेगा। अब मैं आपको एक स्कैम और बताता हूं, जब हमारे इल्विस भाई गए थे पूरा फुल वीडियो बनाए थे तो वहां पर वो लोग कोकोनट का तेल डाल रहे थे, कोकोनट का तेल का जो कलर आप देख लीजिए, कोकोनट के तेल का कलर ऐसा होता है, नहीं होता भाई, व्हाइट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, बादाम का तेल, बादाम का तेल देखो ये लोग डाल रहे हैं, और जो रैपर है ना रैपर हटा दिए हैं भाई, टीन में कौन सा तेल है पता नहीं यार, सरसों का तेल है या फिर सूरजमुखी का तेल है, आई डोंट नो यार, लेकिन आप देख सकते हैं रैपर हटा दिए, कम से कम इनको दिखाना चाहिए हाँ देखो ये चीज हम डाल रहे हैं। जैसे हम कोई चिकन बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि हमने 5 ग्राम धनिया डाला, मसाले डाले, अदरक डाले, प्याज डाला, लहसुन डाला, मतलब जो क्वांटिटी वो बता देते हैं इतना डालो उतना डालो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, जितनी सारी जड़ी बूटियां रहेंगी आपको उसमें से एक दो जड़ी बूटी पहचान में आएगी, बाकी कुछ भी पहचान में नहीं आएगी, ठीक है। वो लोग जंगल में जाते हैं कुछ भी, ठीक है, जिस भी पौधे को देखेंगे उखाड़ के रख लेंगे, हाँ यह चीज है, हाँ यह चीज है, बताते जाएंगे आपको, ठीक है। और जब वो लोग घर पे आएंगे डालेंगे यानी तेल में, ठीक है, अभी मैं आपको तेल का एक सीक्रेट भी बताता हूं, जब वो लोग तेल में डालेंगे तो वहां पर ज्यादा नहीं 20-30 जड़ी बूटी डालेंगे, उसके बाद में पूरा जो उनका मतलब टोप होता है फुल हो जाएगा, उसके बाद में 108 जड़ी बूटी कहां गई पता नहीं, लास्ट में एक सीक्रेट डालते बोलते हैं कि इसमें 108 जड़ी बूटी का सीक्रेट छुपा हुआ है। और एक चीज कॉमन है यार, छोटा बच्चा भी बता देगा, अगर तेल में हम किसी चीज को डालेंगे तो वह फ्राई होगा या फिर उसका काढ़ा बनेगा, यह चीज आप मुझे कॉमेंट करके बताना। भाई मेरे पापा 100 साल के हो गए, ठीक है, 100 साल के हो गए अभी भी हैं, वह जब भी कोई काढ़ा बनाते या किसी भी चीज से रस निकालना होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं फूल पौधे पत्तियां लेके आया, ठीक है, कोई जड़ी लेके आया, अगर उसका मुझे रस निकालना है तो वह पानी में डाल के उबालते हैं तो जाके उसका रस निकलता है, ना कि तेल में डालते हैं। मेरे हिसाब से तेल में डालने से कोई भी चीज फ्राई होती है, ठीक है, चाहे आप आलू डाल दो चाहे आप पत्ती डाल दो कोई, ठीक है, पत्ती भी आप डाल के देखना वह फ्राई हो जाएगी तेल में। तो अगर आप कोकोनट ऑयल में या फिर बादाम के ऑयल में कोई भी चीज डालेंगे मेरे हिसाब से फ्राई होगा, ना कि उसका काढ़ा जो भी रस होता है उसके अंदर, ठीक है, जो भी जड़ी बूटियों के अंदर रस होता हुआ उस तेल में आएगा। भाई यह चीज मुझे समझ में नहीं आती, प्लीज कमेंट करके मुझे क्लियर कर देना। अब दोस्तों यहां पर उनका एक स्कैम और है, मतलब जो यूट्यूबर जा रहे हैं वह खुद हमारे साथ स्कैम करवा रहे, एक जाएगा दूसरे के पास, दूसरा जाएगा तीसरे के पास, तीसरा जाएगा चौथे के पास, समझ में नहीं आता असली आदिवासी हेयर ऑयल है किसके पास। वह लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, काफी गरीब हैं और हमारा बस यही बिजनेस है, तो आप हमें प्रमोट कीजिए और हम भी स्वदेशी के चक्कर में यार चलो अपने देश की चीज है और खरीदते जा रहे हैं, इस चीज को बढ़ावा देते जा रहे हैं, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर हमारे साथ बहुत खतरनाक स्कैम हो रहा है। जो सारे यूट्यूबर इनके पास जा रहे हैं वीडियो बनाने उनको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, बिना पेमेंट देखो कोई भी किसी चीज का स्पॉन्सर नहीं करता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी किसी चीज का स्पॉन्सर नहीं करता। दूसरी चीज, यह लोग जीएसटी में बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं,
या लोग बोलेंगे कि आप हमारे इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको डायरेक्टली डिलीवरी करवा देंगे। या लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब जो सारे वेबसाइट हैं, इन पे ये लोग अपना तेल नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कि वहां पर जो भी तेल मिल रहा है आपको फेक मिलता है, नकली मिलता है। अगर आपको असली तेल चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको असली तेल मिलेगा। तो सीधा सीधा एक तरीके से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा स्कैम है, और यह लोग इस बात का कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं कि यह तेल लगाने के बाद आपके बाल वापस आएंगे। और यह भी गारंटी नहीं है जो आपने तेल ऑर्डर किया है वह सही है, यह भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, सब मिला जुला के यह बहुत बड़ा स्कैम है। आप असली के चक्कर में कोई नकली ना लगा लो, मतलब बाल आने के चक्कर में गायब हो जाएंगे, यह चीज आप ध्यान रखना। लेकिन यह बहुत बड़ा स्कैम है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई यूट्यूबर इसके पास जा रहा है, कोई यूट्यूबर उसके पास जा रहा है, क्या चल रहा है यार? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ। मैं जा रहा हूं नहाने। जय श्री राम।